आपकी कोई ऐसा अनुभव आप बता सकते कि ओलंपिक का जिसने सब कुछ बदल दिया, जब आप मैदान पे थी, जब आपको लगा कि नहीं हम कर सकते हैं, ये उन सबके लिए एक नजीर होगी जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। प्लीज हमारी टीम का एक यही एक्सपीरियंस रहा ऑलिंपिक्स में कि हार मानना बहुत इजी है, कि ये बोलना बहुत इजी है कि हम कर नहीं सकते या हमसे हो नहीं रहा। और बहुत साल पहले हमें शायद दूसरी टीमों को देख के ऐसा लगता था कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं हम इनके साथ जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अभी वो चीज़ काफ़ी चेंज हो गई, जैसे मैडम ने ऑलरेडी बताया कि मतलब सर ने लास्ट 10 ईयर्स में हॉकी के लिए जो काम किया, जो उन्होंने हॉकी को जो लीग्स हॉकी के लिए लेके आए, उससे बाकी प्लेयर्स को भी एक बाकी प्लेयर्स के साथ खेलने का जो एक डर होता है वो निकला प्लेयर्स के अंदर से। और स्पेशली लास्ट दो मैच थे हमारे, 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, सबको यही था कि हार नहीं मानी, लास्ट सेकंड तक हमें फाइट करनी है, क्योंकि उस टाइम सबके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ऊपर ही प्रेशर है, लेकिन दूसरी टीम के ऊपर भी प्रेशर होता है, लेकिन फाइट करनी है लास्ट सेकंड तक। और उसके बाद क्या रिजल्ट होगा वो बाद में देखेंगे। और मुझे लगता है शायद सीएम सर ने यही चीज देखकर हमें यहाँ पे बुलाया, क्योंकि जो मैडम ने ऑलरेडी बताया किया ओलंपिक के इस यात्रा में।
ई रणनीति के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष है नवनीत कौर जी, नवनीत जी के बाद नेहा जी। नेहा जी भी हरियाणा से हैं, मैं फील्डर के तौर पर मैदान पे होती हैं। आपने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध मैच में, जिसे भारत ने 4-3 से जीता था, एक गोल किया था। नेहा जी जोरदार कार्य, नेहा जी मिजोरम से फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलने वाली लाल रंसिया जी, मिजोरम से जोरदार कार्य चाहिए इनका अभिनंदन। एक और खिलाड़ी मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकेडमी से जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, रीना खोखर जी पंजाब से हैं, डिफेंसिव पोजीशन पे खेलती हैं, वो है नहीं इसलिए कप्तान रानी रामपाल उनका पुरस्कार ग्रहण करेंगे, रीना खोखर जी का। डिफेंडर हरियाणा से उदिता जी, उदिता जी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना पुरस्कार ग्रहण करेंगे। और उदिता जी के बाद झारखंड से सलीमा टेटे मिडफील्डर के तौर पर मौजूद रहती हैं फील्ड पर, सलीमा टेटे। सलीमा जी हमारी फॉरवर्ड शर्मिला देवी, आज वो यहां नहीं है, कप्तान रानी रामपाल जी उनका पुरस्कार ग्रहण करेंगी। शर्मिला देवी जी का पुरस्कार कप्तान रानी रामपाल ग्रहण करेंगे। और इस लिस्ट में जिनके साथ हम यहां से विदा होंगे, निशा जी हरियाणा से मिडफील्डर हैं, निशा जी सादरा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। हमारी खेल मंत्री बारे में कहा था, जब मैं सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश में खेलों को कौन आगे बढ़ाएगा, तो मुझे एक ही नाम ध्यान आता है और वो है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। आवाज ठीक आ रही कि नहीं आ रही? मैंने कहा था कि जिनके बारे में पिछली बार मैंने कहा था कि जब मैं सोचता हूं कि मध्य प्रदेश में खेलों को कौन आगे बढ़ाएगा, तो मुझे एक ही नाम ध्यान आता है और वो है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। शायद उस समय मैंने एक उपमा दी थी, आवाज ठीक आ रही कि नहीं आ रही? मैंने कहा था कि यशोधरा जी खेलों में वैसे ही फिट है जैसे अंगूठी में नगीना। वो दिन और रात खेलों के बारे में सोचती हैं, बहुत गहराई तक जाती है। बत्रा जी ने बिल्कुल सच बताया, अरे एक जुनून है कि नहीं ये तो करना ही है, और इसलिए वो आगे कदम बढ़ाती है। मैं उनको सहयोग करता हूं। ऐसी मेरी बहन यशोधरा जी आज हमारे सचमुच में अतिथि, मेरे बहुत पुराने मित्र और जिन्होंने ओलंपिक में भारत का नाम, जैसा बताया गया अभी, हॉकी के लिए भी बहुत किया है और खेलों के लिए भी बहुत किया है, आज वो हमारे बीच में हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, डॉक्टर नरेंद्र बत्रा जी, एक बार तालियां बजा के आप भी उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बत्रा जी
बत्रा जी, आप खेलों को आगे बढ़ाते जाएं, मध्य प्रदेश हमेशा आपका साथ देता रहेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं। पहले खेलों में हमारा नाम कहीं नहीं था, लेकिन आज भारत बहुत आगे है और इस बात की संभावनाएं जगी है कि हम लगातार आगे आगे और आगे बढ़ते जाएंगे, 7 से 70 तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। एमपी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और बहुत यशस्वी साथी मेरे रमेश मेंदोला जी, भाई राजेंद्र सिंह जी महासचिव हॉकी इंडिया, एमपी ओलंपिक संघ के सचिव दिग्विजय जी, सीओ हमारी हॉकी इंडिया की सुश्री एलेना नारमन जी, पूर्व ओलंपियंस यहां बैठे हुए जलालुद्दीन जी, समीर दास जी, कुशवाहा जी, और सचमुच में जिन बेटियों ने दिल जीत लिया हिंदुस्तान का, आज भारत के दिल मध्य प्रदेश में स्वागत है रानी रामपाल जी और पूरी टीम का, मेरी बेटियों का बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियां बजाइए, अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। यह स्वागत है आपके जज्बे का, ये स्वागत है आपके जुझारूपन का, ये स्वागत है आपके समर्पण का, ये स्वागत है आपकी देशभक्ति का। खेलते जाओ बेटियों और आगे बढ़ते जाओ बेटियों, मध्य प्रदेश तुम्हारे साथ। सविता हमारी उपकप्तान, ये तो ऐसी दीवार बन जाती है कि भेदना बहुत कठिन हो जाता है, कई गोल बचाए। मेरी सारी प्रिय बेटियां जिनको आज पुरस्कृत किया है, जब मैंने खेल में जुझारूपन जो आपने दिखाया उसके बाद, ये तो बाई चांस होता है, देखिए एक क्षण ऐसा होता है जो कई बार खेलों में परिणाम बदल देता है, लेकिन मेरी बिटियों जिस क्षण मैंने तुम्हारी आंख में आंसू देते देखे थे उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि भोपाल बुला के सम्मानित करूंगा। कोई बात नहीं, चौथे नंबर पे आए, लेकिन इतना शानदार खेल खेला कि पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया तुमने, ये जज्बे और जुनून का स्वागत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बेटियां आगे भी लगातार खेलते हुए नया इतिहास रचेगी, भारत को आगे आगे और बहुत आगे ले जाएगी। इसलिए हॉकी की नर्सरी में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, भोपाल हॉकी की नर्सरी है, एक नहीं अनेकों प्लेयर भोपाल ने भारत को दिए हैं। और इस संकल्प के साथ कि बत्रा जी, मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहलाता था, आज हम बीमारू से बाहर निकले, विकसित बने, विकासशील बने, विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन खेलों के लिए जिस योगदान की जरूरत होगी मध्य प्रदेश कभी पीछे कदम नहीं हटाएगा, हर संभव सहयोग हम करने का प्रयास करेंगे। मुझे खेलो इंडिया के लिए हमने निमंत्रण दिया ही है, आप चाहेंगे तो नेशनल गेम्स के लिए भी हमारा निमंत्रण है आप। और आपने कहा कुछ खेल सिलेक्ट करें, तो हॉकी तो हम छोड़ नहीं सकते, हॉकी हमारी जान है। अभी रानी आपको बता रही थी 2010 में ये थी यहां, ट्रेनिंग उस समय कोचिंग चल रही थी, और तब बत्रा जी भी जानते हैं और यशोधरा जी भी बैठी, मैंने देखा कि हॉकी की टीम हमारी बेटियों की थोड़ी आर्थिक संकट में है। मैंने एक क्षण नहीं लगाया और कहा कि मामा के होते हुए भांजियों को चिंता करने की क्या जरूरत है, जो जरूरत होगी हम पूरी करेंगे। और इसलिए यशोधरा जी, हॉकी के लिए जो करना हो, भोपाल में स्टेडियम बनाना हो, ग्वालियर में बनाना हो, तय कर लो, कोई चिंता की बात नहीं है, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाएंगे।
वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाएंगे। ताकि किसी भी सुविधाओं की कोई कसर ना रहे। क्योंकि हॉकी हम छोड़ नहीं सकते। और इन बेटियों का जो सम्मान हुआ उस समय देख रहा हूं, मेरे नीचे बैठे बेटा बेटी भी काफी प्रसन्न है। मुझे विश्वास है कि विवेक की तरह तुम भी नाम कमाओगे और रानी की तरह या सविता की तरह या सुशीला की तरह कभी तुम्हारा भी स्वागत करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। खेलों में हम लगातार आगे बढ़े। विवेक भी जब आए थे तो हमने हीरो जैसा स्वागत किया। हमने 1 करोड़ का चेक भी दिया, डीएसपी भी बनाया और उनकी मां की एक इच्छा थी, उनकी इच्छा थी कि माँ को एक घर दे। तो मैंने कहा मामा दे देगा यार, काय को चिंता करता, तू तो खेल खाल, घर भर की चिंता काय को करता। और मैं तुम सबको कह रहा हूं, खेल में चिंता विंता मत करना। और अब आजकल तो मम्मी पापा भी इजाजत देने लगे हैं। पहले तो डांटते थे कि कहां जिंदगी बर्बाद कर रहा है या कर रही है, लेकिन बेटियों तुम लोगों ने ऐसा मान बढ़ाया कि अब हर माँ बाप चाहते हैं कि खेल हो जाए। हमने टैलेंट सर्च बच्चों को खोज रहे थे, हम तो हजारों बच्चे आ गए मध्य प्रदेश में, हम खेलेंगे। और माँ बाप भी कहने लगे ले जाओ मामा खिलाओ। खेल के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। और मैं नीचे और ऊपर बैठे हुए बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, ये रानी यहां बैठी हैं, रानी कोई बहुत अमीर घर से नहीं आती, कठिनाइयों में जिंदगी गुजारी। अकादमी के बच्चों की टूटी हॉकी से खेलना शुरू किया था, जो मुझे जानकारी दी। और खेलते खेलते मेरी बेटी तुमने ऐसा नाम कमाया कि आज पूरा देश तुम पर गर्व कर रहा है। कठिनाइयों में, विपरीत परिस्थितियों में अगर जज्बा हो, संकल्प हो, कर्मठता हो, परिश्रम करने का मादा हो, तो हर कोई रानी की तरह सफलता की ऊंचाइयां छू सकता है। ये तुम्हारे लिए भी सबक है। मैंने जितना जाना, ये सविता हमारी बैठी है, बस की छत पे ट्रेनिंग के लिए जाती थी जो मैंने पढ़ा, सही है क्या सविता? दादाजी ने कहा तब हॉकी खेलना शुरू किया, कठिनाइयों में ट्रेनिंग प्राप्त की और आज नया नाम इनको मिला, सेव इटापुनिया। गर्व है तुम पर अपने संकल्प के कारण। डीव ग्रेस एक्का सुंदरगढ़ की रहने वाली ये बेटी एक साधारण परिवार में जन्मी। परिवार वाले कहते थे, मैंने पढ़ा है कि चिढ़ाते थे कि हॉकी तो लड़कों का खेल है, लेकिन ओलंपिक में जैसा प्रदर्शन किया और अब डिफेंडर के रूप में जानी जाती है, वैसे ही हमारी बेटी मोनिका है। पिता चाहते थे कुश्ती में आए, लेकिन बेटी को हॉकी से प्यार था। आज हॉकी में नाम कमाया मेरी बेटी ने। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन संघर्ष जारी रख के यहां तक पहुंची। और हमारी गुरजीत बेटी किसान परिवार से आती है। पिता चाहते थे पहले बेटी पढ़ाई करे, लेकिन बोर्डिंग स्कूल से हॉकी का सफर शुरू हुआ। तो ऐसा शुरू हुआ कि सफलता के ऐसे झंडे गाड़े के हमें रोज गर्व होता है। निक्की प्रधान भी बहुत गरीब परिवार से, पहले हॉकी की स्टिक नहीं थी, तो मैंने जो पढ़ा है कि बांस की स्टिक और बांस की गेंद बना के ट्रेनिंग ली।
अगर इरादे बुलंद हो तो स्टिक की नहीं, सचमुच में हॉकी तो स्टिक से कम खेली जाती है, हौसलों से ज्यादा खेली जाती है। सलीमा तो नक्सल प्रभावित गांव में रहती थी और वो भी अभाव में पली, गरीबी में पली। टोक्यो ओलंपिक के समय इनके टूटे घर की तस्वीर भी हमने देखी होगी। शुरू में बांस की खपच्चियों से खेलना शुरू किया और आज देश का नाम रोशन कर दिया। तालियां बजाओ इस। और शर्मिला के बारे में मैंने पढ़ा है कि शर्मिला पहले बेहद शरारती थी, लेकिन बाद में जब हॉकी खेलना शुरू किया तो सारे रिकॉर्ड तोड़ती चली गई। और नवजोत कौर को तो पेंटिंग और संगीत का भी शौक है। दुनिया की बेस्ट फिनिशर बनना चाहती है, अद्भुत खेल खेला। वंदना आज नहीं है, ग्वालियर हॉकी अकादमी में भी उन्हें ट्रेनिंग पाई। वंदना के गांव में भी लड़के हॉकी खेलते थे, वंदना को चोरी छुपे खेलना पड़ा। और निशाने भी बहुत, पिता टेलरिंग का काम करते थे, आर्थिक कठिनाइयों में हॉकी खेलना शुरू किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए और हमारी ये बेटियां अभाव में काम करते करते सचमुच में हीरोज नहीं सीरोज बन गई। सुशीला गर्व है, ग्वालियर में खेली, कोचिंग प्राप्त की और सच में रियो ओलंपिक में भी सुशीला ने जो खेल देखा हम सबको गर्व है। नेहा भी सामान्य परिवार से आती है, अभाव में काम करते हुए आज उन्होंने ये स्थान बनाया है। वैसे उदिता बेटी ने भी, पिताजी ने हॉकी खेलने में जरूर मदद की और निश्चित तौर पर भारत का नाम बढ़ाया है। इन सब बेटियों पर हमें गर्व है। एक बात रानी ने मुझसे पूछी, जब हम वृक्षारोपण के लिए जा रहे थे तो रानी ने मुझसे पूछा कि ये लड़कियों के लिए आपके मन में ज्यादा प्रेम क्यों रहता है। मेरी बेटियों, मैंने रानी को कहा था कि मैंने बचपन से अपने गांव में बेटा और बेटी में भेद करते हुए माता पिता को भी देखा। जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में कोई बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, माँ भी गर्व से भर जाती थी कि बेटा आया है, और बेटी अगर जन्म ले लेती थी तो माँ का चेहरा भी उतर जाता था। तब से मेरे मन में एक तकलीफ होती थी और मैं लगातार सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि बेटा और बेटी दोनों बराबर माने जाए। और तब से लगातार मैंने रानी को बताया कि एक जगह मैं भाषण दे रहा था, तब मैं एमएलए एमपी भी नहीं था, कि बेटा बेटी में भेद मत करो, बेटी को आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी होगी, एक बड़े बड़े भाषण दे रहा, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी में दहेज के इंजाम क्या तू करवाएगा, बेटी को आने दो, कह तो दिया। तो मुझे लगा कि केवल भाषण से बेटा बेटी में भेद खत्म नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। और उसी मेरी तरफ ने, जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, बेटी बहुत सालों से मुख्यमंत्री है तुम्हारा मामा, बीच में थोड़ा सा गैप तो फिर आ गया, लेकिन जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई कि मध्यप्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, इतने पैसे उसके खाते में जमा कर दूंगा कि पढ़ाई के लिए अलग पैसा मिलेगा और जब बड़ी होगी तो सीधे 1,18,000 का चेक मिलेगा। मैंने कहा बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए ताकि ललक पैदा होकर बेटी आए, उसके बाद फिर बेटियों की शादी, बेटियों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की साइकिल, यूनिफॉर्म, गांव की बेटी योजना, प्रतिभाकरण योजना, पता नहीं कितनी योजनाएं बनी, उसमें मैं समय नहीं लगाता। लेकिन यह संदेश है आज पूरे देश को मेरा कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती,
बेटा और बेटी बराबर। और आप देख रहे हैं आजकल हर फील्ड में बेटियां अपना नाम रोशन कर रही है और माता पिता का सम्मान और देश का सम्मान आगे बढ़ा रही है, इसलिए बेटियों को आने दो। इसका मतलब ये नहीं कि बेटों से प्यार मत करो, नहीं तो बेटे उदास हो जाएं। मैंने जब बेटियों को साइकिल देना शुरू की पढ़ने के लिए तो 2-3 साल के बाद भांजे रूठ गए कि मामा बेईमानी हो रही है, बेटियां साइकिल पे जा रही है और भांजे पैदल घिसट रहे। तो मैंने उनको भी साइकिल देना शुरू कर दी। तो ध्यान बेटों का भी रखेंगे, लेकिन देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि बेटियां किसी से कम नहीं है।